तू क्या कर रहा है? दोनों भाई बन के पीछे हो गया झगड़ा। देखिए कभी कहीं जाएंगे तो बैठेंगे। अच्छा सिला दिया तूने रिसु भैया के प्यार का। अरे लोग जा रहे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है सुबह और अभी हम लोग उठे हैं। फिलहाल हमारा ट्रेन है 7:30 बजे और सवेरे उठने का रीजन ये है, सर में इतना दर्द हो रहा है कि आपको क्या ही बता। सवेरे उठने का रीजन ये है कि मम्मी को बना रहा था पूड़ी और सब्जी, तो मम्मी सब उठो उठिए जाओ सबको, तो बस उठ के हम लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, हाथ बटा रहे मम्मी का। खैर वो सब छोड़ो, मेरे जो ये फेस का ही बंदरिया वाला मुंह लेके मैं दीदी के ससुराल जाऊंगी तो कैसा लगेगा मुझे भी नहीं पता। छुट्टी नहीं रहा आना ये तो फिर भी चलो फेस का तो इतना साफ करने को रात में मैं बैठ के फेशियल क्यों, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत साफ हो गया। मेरा जो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ उसका मतलब बैग जो है ना थोड़ा सा डीप है और पूरा बैग में मेरा रंग लगा हुआ है। अब एक ही ऑप्शन है, बाल खोल के पहनना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि जूड़ा वगैरह कर लूंगी लेकिन बाल खोलने के बाद फिर वो ढक जाएगा, डिजाइन ही खत्म हो जाएगा। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, इतना ज्यादा पिंक पिंक लग रहा है ना पेट की क्या बताएं। खैर 5 बज रहा है अभी, हम लोग उठे हैं 4 ही बजे, एकदम अंधेरा अंधेरा। ये क्या बताएं, मेरे आईफोन का तो कोई इज्जत बचाने कवर का जो हाल है, क्या बताएं। तो ढक्कन निकाल के दिए दो हमको, हंसे तो किट का पानी ढक्कन यहाँ मम्मी बना रही है पूरी, गुड़िया बना रही है आलू का भुजिया और हम जा रहे हैं पानी भरने। यहाँ देखो पूरी बन रहा है, अब तो नहा भी लिया और अभी भी नहीं छूटा, अब जो है रहने दो। मतलब पता भी तो चलना चाहिए कि भाई होली खेले हैं, ऐसे कैसे पूरा कान हल्का सा लाल कम हुआ और बाकी फेस पता नहीं कैमरे में पता नहीं चल रहा लेकिन सच में बहुत ज़्यादा लाल है। रियलिटी में मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑलराइट दिख रहा है। खैर 6 बज चुका का है, 5 से 6 बज गया, जिंदगी में फिर भी कोई तब्दीली नहीं आया। बुढ़िया दीदी हमको चाय बना के दी है। सतवा ऊंचा 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 सत्तू मेरा उज्जा पेट उज्जा 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 चाय। पूरा दुनिया का दुख एक साइड और मेरी मातेश्री का दुख एक साइड, उनको हर चीज में दुखे दुख है। मेरा कपड़ा मेरे रूम में पसरा हुआ उसका अलग दुख है, पापा का यहाँ तक कपड़ा निकला हुआ उसका अलग दुख है। एनी टाइम खाली तुम लोग पास कितना कपड़ा पसार के रख देती है, मम्मी को बोल रही है गुड़िया जला दीजिए, क्या दिक्कत है जाके सब में आग लगा दे। होलिका दहन हो रहा था सब जाके देती। अभी क्या हुआ ना, अभी तो आप लोग जाने रहे हो मतलब मेरा ये वाला व्लॉग भी बहुत लेट आने वाला है। मेरा 3 दिन से वीडियो नहीं आया जो कि मेरा पूरे एक साल में एक भी दिन मैं गैप नहीं मारू, लेकिन 3 दिन मजे में वीडियो डाली नहीं हूँ। आज से मेरा हल्दी व्लॉग आ रहा है, यानी कि आज है कितना तारीख, आज 9 तारीख है ना, आज 9 तारीख है और हल्दी हुआ है 4 तारीख को, यानी 5 दिन के बाद आज व्लॉग आ रहा है। 10 तारीख नहीं है, 9 तारीख है, 6 तारीख को हुआ दीदी का शादी, आज 9 तारीख है। खैर 5 दिन के बाद मेरा हल्दी का ब्लॉग आ रहा है, समझ लो ये वाला ब्लॉग कब आने वाला है। खैर तो यहाँ हम लोग रास्ते में जाने का तैयारी कर रहे हैं, टाइम देख रहे हो 6:32 हो चुका है। तो मंजन का, अच्छा मंजन भी लेके, हाँ ब्रश रखा है ना, हाँ। देखो ना फाइनली लड़का भी उठ गया। चूड़ा भरो ना, मैन वाला चूड़ा ले लो, उसके साथ ये खा लेंगे। और मतलब खाना इम्पोर्टेंट खाना हम लोगों को नहीं, हमारे साथ 3 बच्चा है, एक ये हमारे साथ छोटा बच्चा, इससे छोटी बच्ची आंसू भी जा रही है और शुभम भी जा रहा है, सबको रखो हम चूड़ा ले लेते हैं। यहाँ देख लो झाल मुड़ी का पूरा प्लान है, चूड़ा दाल मोट और जलजीरा रख लिया, हो प्याज रख लिए, कोई चाकू हो तो बस एक चाकू रख लीजिए। यहाँ देख रहे हो गे मैया के, हाँ गुड़िया बैग ले, देख रहे हो हम लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 हमारा लगे 4 4 है। सतवा पापा बोलते भगवान करे यही बैग फटे जाए लोग का। सुनन भगवान ने तुम्हें भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा तो क्यों भेजा बताओ। फाउंडेशन लगा के अपना कलर कुछ बने कुछ, हाँ पूरी और निकल कर नहीं बोलो ठीक है जैसे वो है, अरे चल जाएगा काम पूरी बोले पूरा का पुड़िया। फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं गाइस और वाओ कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं यार, और तू काश मैं इतना सवेरे उठूंगी तो डेली आप लोगों को मैं इतनी सुंदर दिखूंगी। क्रीम पोत के लगा यार, क्या पता दिमाग खराब हो गया रंग निकालने में। बाकी आई एम सो एक्साइटेड, मतलब वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि हम लोग पहली बार सब कोई मिलके इस तरह से जा रहे हैं ना मम्मा। तो बस अब हम लोग अभी थोड़े देर में निकलेंगे और रेडी सेडी भी हो गए बिल्कुल, तो चलो दादी आएगी मतलब मंदिर गए थे पूजा वगैरह करने, आशीर्वाद वगैरह लेना कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा हो। तो बाय बाय रूम मेरे भी ना, तुम अच्छे से सांस लेना, अच्छे से रहना, बस 2 दिन का बात है, 2 दिन में हम वापस आ जाएंगे। पता है बस इस लड़की की वजह से हमको अपना फ्लैट छोड़ के ही लेके जाना पड़ रहा है, क्या करवा ली तुझे, चैन ली रे, चैन कॉल करो ना फ्रीसू को, चैन ले आएगा तुम्हारा। अपनी बहन के लिए इतना सा कुर्बानी दी है, कैसा लगा? ले जुटी ले ली, थैंक यू सो मच।
आशीर्वाद लिया जा रहा है। अब आ गए, पैर न रंगवाया होली से, पैर रंग गया। गुड़िया हम मना किए थे कि ज्यादा मत, देख रहे इतना सामान लेके ढोना पड़ रहा है और अभी से लेके वहाँ तक ढोना है, ऊपर से हम हील पहने, उसको पूरा दिन सुना है ये लड़की की वजह से, पता हम हील पहन के, यार हील पहन के चलाने जा रहे हैं मेरे से। समझी लड़की, भारी भारी बस, ये तो कुछ नहीं है, पता है कल कप्पा में अकेले उठाए थे सब, जब सोनू भैया चलेगा तो हम अकेले में पड़ गया था ना, सबको अकेले थे, इसी से जाना है। रिसु हम लोग कितना बोला कर रहे थे, एकदम टाइम पे हम लोग पहुंच गए, देख रहे हो सबको स्टेशन पे सबसे ज्यादा लेट हो रहा है अभी काका को और शुभम को, बस वो लोग टाइम पे आ जाए और सब कुछ हो जाएगा सही। तो मिला जुला के अभी कितना सारा सामान है अभी और बाकी है आना, हम लोग पता है अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोग सच में जा रहे हैं। रिसु हम लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, नहीं हमको अभी तक नहीं हो रहा था, मामी का तो एकदम श्योर नहीं था, लास्ट टाइम पे रेडी हुई है सीधा, हैप्पी हैप्पी फेस यार, वी आर सो एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है, सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग सबको जा रहे हैं, फाइनली सबको आ चुके हैं, बस काका और शुभम का बारी है, मतलब देरी है, और सबको यहाँ एक फूफा बाकी है, फूफा भी आने, अरे यार ट्रेन आने वाला है, फाइनली 8 बजे काका और शुभम आ गया, इस तरह से ट्रेन रुका ना, लग रहा है कि आपको वेलकम किया जाता, चल गया ट्रेन, हम लोग अब सीट पे भी नहीं बैठे, देख रहे हो सबका भी रास्ते में, और ट्रेन चल गया, 2 मिनट रुका है बस घड़ी देख के, और हमारा टिकट हुआ ना कि किसी को खिड़की वाला जगह ही नहीं मिला है, सब देख रहे हो एक खिड़की में एडजस्ट कर रहा है, इन लोगों का भी खिड़की उधर रिजर्व है और सबको यहाँ बैठे हुए हैं, इधर हम उधर चलिए आप, थैंक यू विकी भैया। फाइनली पता है हम 2 बार कलकत्ता गए कंटिन्यू, और दोनों बार मेरा ना खिड़की वाला मतलब हुआ, लेकिन वो बर्थ हमारा ऊपर था, आज भी अपने हैं, आज अपना है, फाइनली अपने जगह पे बैठे हैं। रीमा दी कितना खुश होने वाली है इतना सारे लोग को देख के, रीमा दीदी के लिए सब कुछ, आंसू अपनी अक्षू को हमको दे देना ठीक, इसी को रख लीजिए अक्षू, आ गुड़िया को देखे, तुम कब आओगे वाला फील ले रही है बैठ के, हाँ बेटा अभी ने सोने का टाइम सही, तुम जाएगी दादू के पास जाएगी तो जाओ जाओ चल के, तो देगा ना माइक छोड़ के आए, रेल ब्लॉगर बनते हुए अभी हम लोग यहाँ से जा रही है अपर नगर, सॉरी पैन है भैया का गांव, हाँ भैया अपना घर दिखा रहे थे, यहाँ विक्की भैया समझा रहे बच्चा लोग को, रोड बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, तीनों बच्चा बदमाश है, चारों ना है तुम्हारे शांत है समझा, तुम लोग की तरह ना है बदमाश, ओके टेंशन ना लो, फोन नंबर यहाँ से ही पकड़ते है ना, अच्छा लो और प्यार से पकड़ लेते हैं, फोन नहीं भैया फोन नहीं छीनना, विंडो से निकाल लेना, सब पूरा कर रहे अपना पर यहाँ पे बैठ के, सोचे थे कि कभी कहीं जाएंगे तो बैठेंगे, और आज मिल गया मौका भैया की वजह से, भैया थैंक यू भैया, आइए जिसका चौने मुस्कान जाने रहा भैया आउस भैया पासू देखो ना क्या हुआ, चाचू के पास बैठी थी बड़ा शौक से, दोनों मुंह खुला गया, नहीं वो इसको एक साथ दोनों चाहिए, चाचू भी और पापा भी, आशू उसे तो राम लाल दोनों ही चाहिए, अरे ऊपर में चल रहे खोलने के बाद कवर को नष्ट कर दे, जिंदगी नष्ट हो रखा तो कवर क्या नष्ट कर भाई, रेल वाले भैया तू आंसू बाप रे रोने वाला मुंह बना लिए एकदम, गुड़िया का ली थी वीडियो पैर रंगाई थी, नहीं फोटो अच्छा है, हो गया आंसू का गुस्सा खत्म, गुड़े 2018 के बाद आज जाके ट्रेन पे बैठे, कितना साल हुआ दादा के साथ, यहाँ देख रहे हो तितली बनाने में परेशान है, हम लोग यहाँ आए कुछ देर के लिए 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब वहाँ मम्मी लोग के पास चले जाएंगे, यहाँ देखो ना हमारी मानू को ये भी साथ है, पक्का गुड़े श्योर काहे आई है फिर सबके साथ, काहे आई है सबके साथ, काहे आई है फिर, अच्छा खुटौना भी सिर्फ जाता पहुंची वाले ने तो यही था बकरे, हाँ यही था गुड़िया, हम लोग जो नानी के यहाँ जाते थे पूरा बंद,
हाँ रात बचपन में जब नानी के घर जाते थे ना तो इधर वाले से मतलब यही वाला गुफा से हम निकलते थे। नानी घर उधर है वही तो हम नानी के घर के साइड तो जा रहे हैं वही तो जा रहे हैं पंचम का नानी के घर ना भी नानी के घर जा रहे दीदी के घर दोनों भाई बन के बीच हो गया झगड़ा बात खत्म है दोनों भाई बहन के बीच ट्रेन छोड़ करके ट्रेन दे रही सुबह आइए मेरे पास सुबह आइए भाई बहुत इज्जत देंगे आपको सुबह बहुत इज्जत देंगे इज्जत देंगे देखो इतने चाहने वाले हैं मेरे देखो कोई टेंशन नहीं पार्टी चेंज पार्टी चेंज पिंकू में गुस्सा है नहीं बोलते हैं क्या कि हम सबको कुछ चटपटा बना के लाना सबको पूरी भुजिया बना के पनीर ना बना के सब यहाँ ऐसी मजा मारने के लिए आए 11 बजे का भूख लगेगा सब जाएंगे वापस बहुत अच्छी गुड़े बता दो भाई को ही लूट लिया कसम तोड़ के अच्छा सिला दिया तूने ऐसी बहन होने का गौन रे अच्छा सिला दिया तूने ऐसी बहन का एक लड़के के लिए तोड़ दिया कसम भाई का अच्छा सिला दिया तूने रिसु भैया के प्यार का एक लड़के के लिए कंटेंट सुबह निकल निकल खुल खुल ट्रेन पे बैठल है ट्रेन पे बैठे बैठे मैं चैनल बनाऊं देखे रिसु भैया का चैनल जी गुड़िया जी क्यों सैड हो जी बेचारी का दीदी मुझसे जुदा बेचारी का दिन खराब होने वाला है कोई बात नहीं ब्रो होता है कोई टेंशन नहीं ज्यादा लोड नहीं लेने का खुश इस बात के लिए हो कि दीदी खुश हो जाएगी तुमको देख के होली का रंग देख रहे हो हाथ में भैया अरे अरे बंदर उठे भैया पापा उठे डंगाएंगे तुमको इज्जत से बैठे तो बड़े बेशरम हो गए हो जी आप अरे यहाँ पे मिरर है वाह मिरर सेल्फी तो बनता बुढ़िया धकेल के मार दो तुम जान लेना मिरर सेल्फी तो एक बनता है हाँ अरे भैया चल आ जाएंगे अभी हम लोग जाने वाले खाना खा के फिर वापस से आएंगे यही रहने का घर बसाने का हम लोगों का प्लान बना एक्चुअली में चल चलते देख रहे हो घर का कोई इज्जत नहीं भाई पिंक कलर पिंकी पिंकी बन गया रिसु क्या था उसको पता है हम लोगों का ब्रेकफास्ट ये राम रिसु क्या कर रहा है तेल मालिश हो रहा है हटो जा रहे हम सोने लाला जी गिर पड़ेंगे देखो ना यहाँ क्या हुआ ना हम लोगों को चार सीट मिला और वो दोनों बच्चा भी यहीं आ गए दोनों बच्चा के चक्कर में आयुष बेचारे को अकेले पड़ गया कोई ना यहाँ से देख रहे हो इतना अच्छा नजारा मिल रहा ले रहे हैं व्यू ले रहे हैं व्यू वहाँ उधर पोखर भी है इसलिए तो रुका है कहाँ है हम लोग बेगूसराय इतना रिक्वेस्ट करवा रहा है लोगों को बोल रहा है जैसे कैमरा खोलते है टी शर्ट और टॉप ठीक है लाइफ इज सो इजी व्हेन यू चिल आउट लिखा है टी शर्ट सो व्हाट सो व्हाट सो व्हाट सो व्हाट जानो कुछ आयुष जानो क्या लाना है जो भी मिलेगा मन करेगा बड़ा सा जो खाने का मिलेगा उठा के आना हम लोगों का जानते हो ट्रेन रुक गया है और हम लोग यहाँ बैठ के पता है एक घंटे का नींद मारे थे यहाँ देखो ना ईयरफोन लगाए पहली बार मेरे फोन में ईयरफोन लगाए ईयरबड कहते हैं ईयरबड अच्छा इसको ईयरबड ईयरबड नहीं आता है बोलने भाई पता नहीं कैसे हम आईफोन ले लिए हाँ इतना जान लो आज तक एयर वो बस कुछ ब्लूटूथ वाला होता है उसको यूज करता स्टार वाला यूज करे खैर इसको हटाओ हम ये कहना चाहते हैं कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हम एक घंटे का स्नैप लिए थे स्नैप बोलते ना जो स्नैप बोल रहे हैं एक घंटे का भी नैप नहीं लिए थे फुआ के उठा उसका नींद आ रहा फिर सोचे दो घंटे का सफर है क्या ही सो के बर्बाद करना या हम आंसू को सुला दिए और हम चिल मार रहे हैं बड़ा कलरफुल दिख रहा है तुम लोग इस कदर गिर गया कि एक दूसरे को मार पीट करने लगा रहे बिश्रम तो मार खा लो अरे हम कराटा कितना जोर से मारा बेचारे का काल हाथ लाल हो गया देखो कितना मारा है अरे खून निकल रहा है पिंकू में देख रहा हूँ ऊपर में सो एक तो यहाँ सोई हुई है ये डांस कर तो यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हुए हम लोग उतर के कौन सा स्टेशन में कहाँ पहुँचे जी हम लोग
स्टेशन का नाम ही नहीं पता। कौन सा स्टेशन है ये? आ जा बस, पानी है, पानी पानी ले लीजिए ना। चलो भागो भाई, यहाँ तो मेरी मम्मी वाला लैंग्वेज बोल रहा है सबको, मैथिली लैंग्वेज, और हम झूठ फूट का उतर के वहाँ पछता रहे हैं। हम जा रहे हैं, फोन स्नैचिंग होता है यहाँ, और हमको नहीं पता कि मेरा सीट कहाँ है। बहुत लगा, हम कंफ्यूज हो गए। ये है, अरे बाबा हमको लगा जानती है हम कौन कौन बॉगिंग घुस रहा, हमको लगा हम बौखे आए ऊपर से वाला फोन लेके गए, फोन कॉल नहीं लगा कि भैया घूम रहा था। तो सबको हमको छोड़ के चले गए हैं क्योंकि हमको मिला नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे थे बाहर जाके, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि किधर आ गए। बाकी यहाँ आंसू ऊपर चले गए सोने के लिए, और सब कुछ मतलब भैया लोग गए खाने पीने का सामान लाने के लिए सामान, और हम लोग एक घंटे में पहुंच जाएंगे मधुबनी। मधुबनी जा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताया नहीं था, तो हम लोग एक घंटे में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहां से आने के बाद फिर हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मतलब बेसिकली मैं मम्मा लोग, तो उसके लिए बने रहना, पता चलेगा कहां जा रहे हैं, बट हम लोग अभी श्योर नहीं है, तो आप लोगों को क्या ही बताएं, आगे का आगे देख लेंगे। बाकी अभी तक दीदी को नहीं मालूम है कि हम लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब उनको पता है कि हम, मतलब मेरा तो श्योर है कि वो हमारे, और बहुत इतने सारे लोग आ रहे हैं उनका नहीं पता, जैसे मेरी मम्मी हो गई, फुआ लोग हो गई, उनको नहीं पता है, तो सबको जाके वहाँ जा दीदी को देंगे सरप्राइज। और बस मैं बैठ के यहाँ पे अपना वीडियो एडिट करूँ, आप लोगों को पता है मेरा 5-5 वीडियो पेंडिंग में पड़ा, जिसमें कि अभी एक वीडियो मैं बैठे बैठे एडिट की हूँ, एक मेहंदी वाला ब्लॉग है जिसको मैं मतलब लगभग करती हूँ, अब होगा तो वहाँ अगर वाईफाई मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर घर आके वापस से अपलोड मारेंगे। चेपे का जुलूम किया जा रहा, उठिए ना, दबा दिए एकदम कस के। एक मिनट, ये जो कचरा फैला है तुम लोग फर्स्ट एसी में घुस के, ये कौन साफ करेगा ये बताओ ना मैडम, तुमको दिन का लेते तो यही साफ करेंगे क्या हम, तुम्हारा क्या बोले, यहाँ थोड़ी पहुँच सकते हैं, साफ करिए, बाकी अब हम लोगों का स्टेशन बहुत जल्द आने वाला, देख रहे हो सबको सोना है भाई, अब इसके बाद स्टेशन आना है। शुभम उतरो, शुभम दो कुटिया के रास्ता भर रिसु तुम उसको मारा है, लेकिन सो हटा टी शर्ट का, सो व्हाट, सो लाइफ इज सो मच इजियर व्हेन यू जस्ट चिल आउट दिस इज चिल आउट। हारो आ गया मोहनजोदड़ो, देखो वहां भट्टी ईटा का ईटा बनता है, इसको कभी देखा था, आज दिखाएं तुमको, गाड़ी चलता है आगे मैया, गाड़ी चलता है रे, और इस यहाँ बौराग है रीमा जी, आपके ससुराल जाते जाते हम लोग पगला जाएंगे बता रहे, इतना दूर शादी कर ली, इतना दूर अब क्यों चले गए, मत पूछिए मत कीजिए, हम लोग रास्ता मिलता है, वो बेटे की इसी से बनता है घर, छर रही सिंगम वाला मोटी सिंगम अगड़ मगड़ तगड़ मगड़ कैसे होता है सिंगम। सो फाइनली वी रीच मधुबनी, हम लोग पहुँच चुके हैं मधुबनी, बहादुरी ना दिखाया नहीं जाता है यही यही बहादुर ने बनना था ज्यादा, विक्की भाई उतरिए, रिसु सो सो व्हाट, रिसु सो व्हाट, रिसु सो व्हाट, तो चलो यहाँ के बाद मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।